जिला स्तरीय कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन आज अजमेर की रीट कार्यालय सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा समृद्धि खुशहाल किसान की सोच के साथ वर्ष 2022 और 23 में प्रदेश का प्रथम कृषि बजट पेश होने के बाद उसके इम्प्लीमेंट पर चर्चा हुई। इस बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ ही कृषि किसान से जुड़े समस्त विभागों के अधिकारियों से समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि सरकार ने किसान और कृषि को ध्यान रखते हुए अलग से दोगुना बजट पेश किया और इस बजट के माध्यम से किस तरह किसान को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए और किसान तक तमाम योजनाओं को किस तरह से पहुंचाया जा सके, इसे लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में प्रदेश से कृषि अधिकारी पहुंचे और उन्होंने भी विविध दिशा निर्देश दिए, साथ ही जिला अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श करते हुए विभिन्न सुझाव भी लिए गए। वहीं निर्देशित किया गया कि इस बजट की जानकारी आमजन तक पहुंचे और किसानों को संपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए और बेहतर कार्य करते हुए जागरूक करने की आवश्यकता है। अब देखिए, इस साल कृषि बजट अलग से निकाला गया था और सरकार की जो मंशा है वो यही है कि जो कृषकों के लिए अलग से बजट निकाला गया और काफ़ी सारी अन्य स्कीम्स हैं, कृषि कल्याण बजट भी है, वो दुगने से अधिक किया गया है। तो अब बजट निकालने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है और उसको इम्प्लीमेंट करने क्या समस्याएँ आ रही है, उसके हिसाब से समस्त जिला मुख्यालयों के ऊपर ये बैठक की जा रही है, जिसमें राज्य स्तर से भी लोग आए हैं। आज अजमेर ज़िले से शुरुआत की गई है और हम लोगों ने रिव्यू भी किया है और जानकारी देने की कोशिश की है सब लोगों को, ताकि उसका लाभ अच्छे से ले सकें। तो उस संबंध में आज कार्यशाला